हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्लिंथ बीम क्या होता है और प्लिंथ बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फुटिंग है और यहाँ पर एक फुटिंग है, फिर वहाँ पर है, जितने भी फुटिंग है उनके बीच में सब जगह पर प्लिंथ बीम दिया जाता है। फुटिंग से फुटिंग, दो फुटिंग के बीच में आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम गिवन है, फिर यहाँ पर भी सेम वैसी फुटिंग से फुटिंग के बीच में प्लिंथ बीम गिवन है, फिर वहाँ पर भी वैसी देख सकते हैं आप, सारे फुटिंग के बीच में प्लिंथ बीम गिवन है। लेकिन आप यहाँ पर अगर बीच में देखोगे तो एक यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है जहाँ पर ये प्लिंथ बीम स्ट्रेट जा रहा है और जो वो फाउंडेशन है उसका प्लिंथ बीम इसको जॉइंट हो रहा है। मतलब क्या है, इसका लोड सीधा इस बीम के ऊपर गिरेगा। अब बात आते हैं कि प्लिंथ बीम क्यों दिया जाता है। प्लिंथ बीम इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा वॉल का, तो वॉल का जो डायरेक्ट लोड है वो प्लिंथ बीम के ऊपर आएगा और प्लिंथ बीम से लोड ट्रांसफर होगा फुटिंग के ऊपर। अगर मैं आपको और डिटेल में समझाऊं तो फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये आपकी एक फुटिंग है और ये आपकी सेकंड फुटिंग है, इसके बीच में आपको प्लिंथ बीम देना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपकी प्लिंथ बीम हो गई, फिर इसके ऊपर यहाँ से आपका कॉलम जाएगा स्ट्रेट, यहाँ से भी आपका कॉलम जाएगा और इसके ऊपर आपका स्लैब पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर। लेकिन अभी इसमें जो वॉल्स बनेंगे, यहाँ पर जो वॉल्स बनेंगे आपके, अगर इसे हम वॉल्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर इसके ऊपर अगर हम वॉल्स बनाएंगे तो ये वॉल का जो लोड होगा वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ेगा, प्लिंथ बीम के ऊपर पड़ेगा। और जो भी लोड प्लिंथ बीम के ऊपर पड़ेगा वॉल्स का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होगा, उसके फुटिंग्स के ऊपर, और फिर फुटिंग्स से वो लोड ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी लोड है, चाहे वो डेड लोड है या फिर अलाइव लोड हो, वो सब लोड उसके फुटिंग्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए प्लिंथ बीम गिवन होता है क्योंकि जो भी वॉल का लोड होगा वो सीधा प्लिंथ बीम के ऊपर पड़ेगा और प्लिंथ बीम से सीधा फुटिंग में जाएगा। अगर हम लोग प्लिंथ बीम नहीं देते तो क्या होगा, वापस हम कंसिडर करते हैं, ये हमारी फर्स्ट फुटिंग है और ये सेकंड फुटिंग है, यहाँ से ऊपर हमने कॉलम बनाया और कॉलम के ऊपर बीम के साथ स्लैब, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग अपना वॉल बनाते हैं तो इस वॉल का लोड कहाँ पर जाएगा, अभी ये हमारा जो वॉल है, आप क्या करेंगे, हम ग्राउंड को इतना भर देते हैं ना मिट्टी से या फिर स्टोन से इतना भर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो भी वॉल का लोड है ना वो सीधा डायरेक्टली ग्राउंड में जाएगा। वॉल के जितने भी लोड्स होंगे, इस साइड में वॉल होगी, उस साइड में वॉल होगी, जो भी जितने भी साइड में जो भी वॉल होगी वो वॉल का डायरेक्ट लोड उसका जाएगा ग्राउंड में। तो वैसे ही फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसा होना चाहिए, जो लोड जितना भी वॉल का लोड है वो सीधा आपके प्लिंथ बीम के ऊपर पड़ेगा और प्लिंथ बीम से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके फुटिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।